हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खमन ढोकला की रेसिपी। खमन ढोकला जो कि गुजराती स्नैक है, बहुत ही फेमस है और इसे घर पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ढोकला तो हम बना लेते हैं लेकिन एकदम जालीदार, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम मार्केट से लाते हैं, वैसा ढोकला घर पर क्यों नहीं बनता है। तो इसके लिए जो टिप्स और ट्रिक्स हैं इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एकदम परफेक्ट ढोकले की रेसिपी है ये। और रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की परफेक्ट रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए आपको जो सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड बटन होता है उस पर क्लिक करना है और साइड में जो बेल आइकॉन होता है उस पर भी प्रेस करना है, ताकि जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। पहले मैं आपको इस रेसिपी का रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितना जालीदार और कितना स्पॉन्जी ढोकला बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, दूसरे तरीके से भी मैं आपको इसे दबाकर दिखाती हूँ कि कितना स्पॉन्जी हुआ है, ये अपने आप उठकर ऊपर आ रहा है। खमन ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है, 1/4 कप लिया है कॉर्नस्टार्च, 1/4 कप ही पीसी हुई चीनी ली है, 1 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए, साइट्रिक एसिड 1 टीस्पून, नमक है ये 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है। और यहाँ पर हमें इसके लिए पानी चाहिए 300 ml। अब ढोकले का बैटर बनाने से पहले एक स्क्वायर टिन मैंने यहाँ पर लिया है जिसे हम ग्रीस करके रखेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का टिन नहीं है तो आप कुकर के डब्बे में या फिर किसी थाली में भी इसे बना सकते हैं। तो टिन को हमने ग्रीस कर लिया है और अब इसे रख देते हैं साइड में। तो ढोकले का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा मिक्सिंग बॉल लिया है जिसमें ऐड किया है 300 ml पानी और थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर बचा कर रखा है। अब इसमें ऐड करेंगे साइट्रिक एसिड, नमक, हल्दी, चीनी ऐड करेंगे और ऑयल, और अब सभी चीज़ों को हमें पानी में अच्छे से डिजॉल्व होने तक इसे चलाना है। तो अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे जब तक कि साइट्रिक एसिड, चीनी और नमक पानी में अच्छे से घुल ना जाए। अब सभी चीज़ों को हमने पानी में अच्छे से डिजॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इसमें मिक्सअप करना है बेसन और कॉर्न स्टार्च, लेकिन इसमें डायरेक्टली ऐड ना करते हुए इसे डाल देंगे एक स्ट्रेनर में और इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्विफ्ट करते हुए हमें इसका बैटर बनाना है ढोकले के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ढोकला बनाने के लिए लिए हैं और जितना मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लिया है उसी के हिसाब से आपको सभी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं उतने ही मेजरमेंट में। तो अब हम इसका एक प्लेन बैटर बनाकर तैयार करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर इसमें हल्दी का यूज़ किया है, लेकिन कलर के लिए मार्केट के ढोकले में हलवाई जो होते हैं वो येलो फूड कलर का यूज़ करते हैं। आप भी चाहे तो येलो फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हल्दी और सोडा है दोनों का रिएक्शन होके थोड़ा सा ढोकले में लाल स्पॉट भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लेन बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ते हैं। पर हम कढ़ाई में ढोकला बना रहे हैं तो मैंने इसमें पानी और वायर रैक डाल रखा है और अब लीड लगाकर इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। चलिए, 15 मिनट बाद हमारा जो बैटर है बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सोडा और जो पानी हमने बचा कर रखा था उसे सोडे के ऊपर डाल देते हैं ताकि सोडा एक्टिव हो जाए। और अब फटाफट इन सभी चीज़ों को मिक्सअप करना है। तो सोडा मिक्सअप करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो कलर है एकदम वाइट हो गया है और एकदम बैटर जो है फूलकर ऊपर आया है। अब इसे बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम जो टिन हमने ग्रीस करके रखा हुआ है उसमें पोर करेंगे। चलिए, अब कढ़ाई में डाला हुआ पानी भी अच्छे से उबलने लगा है। अब क्या करेंगे कि ये जो टिन है ढोकले के बैटर का उसे रख देंगे इसमें और कंप्लीट हमें इसे 30 मिनट तक स्टीम करना है। तो लीड लगाकर वेट करेंगे। अब 30 मिनट बाद एक नाइफ हम इसमें इंसर्ट करके देखते हैं। देखिए, इट्स कम आउट क्लीन, इसका मतलब हमारा ढोकला रेडी है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तो तब तक टेम्परिंग बना लेते हैं। और टेम्परिंग के लिए हमने यहाँ पर लिया है कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, 3-4 मैंने हरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून ली है चीनी, 1 टीस्पून नमक, करी पत्ते लिए हैं कुछ, 1 टीस्पून ली है राई, थोड़ा सा हींग और ऑयल।
तो टेम्परिंग के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। चलिए अब हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड करते हैं राई। राई चटकने लग जाए तब हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। करी पत्ता ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई होने देना है। और अब क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देते हैं हींग पाउडर, बिल्कुल जस्ट 2 पिंच हींग पाउडर मैंने इसमें ऐड की है और 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसके बाद में इसमें हमें चीनी डालनी है, तो 1 टेबलस्पून चीनी और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब 1-2 उबाल आने के बाद में हमें गैस को बंद कर देना है। हमारी जो टेम्परिंग है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके साइड एजेस को लूज करते हुए ढोकले को हमें डिमोल्ड करना है और ध्यान रहे इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है टेम्परिंग के लिए। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक ट्रे के ऊपर और थोड़ा सा टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना जालीदार ढोकला यहाँ पर बनकर तैयार है। लेकिन अब हमें इसे सीधा करना है तो एक थाली में इसे फिर से सीधा कर लेते हैं। टेम्परिंग इसके ऊपर डालने से पहले हमें ढोकले के कट्स लगाने हैं ताकि जो पानी है इसके अंदर अच्छे से चला जाए और ढोकला एकदम मॉइस्ट बने, जिससे कि क्या होगा कि खाने में ढोकला गले में अटकता नहीं है और मॉइस्ट ढोकला खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसके कट्स लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर टेम्परिंग डालने से पहले मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ नज़दीक से कि कितनी बढ़िया सी इसको जाली आई है और कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट के ढोकले जैसा जालीदार, स्पॉन्जी और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार हो जाता है। दूसरे तरीके से भी मैं आपको इसे दबा कर दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी हुआ है। ये बिल्कुल अपने आप उठकर ऊपर आता है। तो अब हम इसके ऊपर पोर करेंगे तड़के वाला पानी यानी कि टेम्परिंग। तो चारों तरफ से इसके ऊपर डालना है ताकि पूरे ढोकले में अच्छी तरह से अंदर सोख हो जाए। तो हरे धनिए से इसे गार्निश करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे जल्दी से एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए।